नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के बाद अब सूबे की सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान कानून के शिकंजे में बीजेपी नेताओं को राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के केस में बीजेपी नेताओं के खिलाफ अदालत में लंबित 9 आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी है। ये जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली है। दरअसल दंगों के आरोप में मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, सांसद भारतेंदु सिंह, विधायक उमेश मलिक और पार्टी नेता साध्वी प्राची के खिलाफ केस दर्ज था। जिलाधिकारी को 5 जनवरी को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग में विशेष सचिव राज सिंह ने 13 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इनमें जनहित में मामलों को वापस लिया जाना भी शामिल है। पत्र में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का विचार भी मांगा गया है। हालांकि पत्र में नेताओं के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल संख्या का जिक्र है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के दौरान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में अगस्त सितंबर 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में 60 लोग मारे गए थे और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। इस दंगे के बाद बीजेपी ने सपा सरकार पर गलत ढंग से कानूनी कार्रवाई के आरोप लगाए थे। बीजेपी के कई नेताओं पर दंगों से जुड़े केस चल रहे हैं, जिन्हें खत्म करने पर योगी सरकार विचार कर रही है। इससे पहले दिसंबर में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश जारी किया गया था। योगी के अलावा शिव प्रताप शुक्ला, विधायक शीतल पांडे और 10 अन्य के खिलाफ धारा 188 के तहत लगे केस वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से ये आदेश गोरखपुर जिलाधिकारी को केस वापस लेने के लिए दिया गया है। बता दें कि ये मामला गोरखपुर के पीपीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बात कही है। उन्होंने शनिवार को सुल्तानपुर में कई सी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान वरुण गांधी ने इमरजेंसी विंग का भी शुभारंभ किया और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, अगर आंखों से आंसू न आए तो आप इंसान नहीं हैं। वरुण गांधी ने कहा कि हम लोग IAS, IPS, IFS बना चुके हैं, क्या हमारे देश में कभी इंडियन मेडिकल सर्विस भी बनेगी? हमारे देश में 2,00,000 डॉक्टर बेरोजगार हैं। इस समय 50% लोग ऐसे हैं जो अपना बेसिक मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद MD तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च किए जाने वाले बजट पर भी सवाल उठाए। वरुण गांधी ने कहा GDP का केवल 2% बजट स्वास्थ्य में खर्च होता है, उस देश का भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि GDP का 10% शिक्षा पर खर्च हो और 10% स्वास्थ्य पर खर्च हो, तभी इंसान की कीमत होगी और हमारे देश में उसके जीवन का एक अर्थ होगा। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बहुजनों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बहुजनों और गरीबों को कुछ हुआ तो वो नीतीश कुमार की CM की कुर्सी को चकनाचूर कर देंगे। तेजस्वी यादव शनिवार को राज्य के कैमूर जिले के आदिवासी बहुल गाँव पटरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है, कानून के रखवाले ही बेकसूर नागरिकों को मार रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 20 दिसंबर को कैमूर जिले में आदिवासी समाज के एक निर्दोष ग्रामीण को पुलिस ने तानाशाही तरीके से उठाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तेजस्वी ने कहा कुर्सी बाबू को पूरी सुरक्षा के तामझाम के साथ भी दिन में बहुजनों से मिलने में डर लगता है और मैं रात को भी विकास से दूर इसी गरीब टोले में प्रेम से सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। नीतीश जी ने दिन दहाड़े जनादेश की डकैती की, इसलिए अब दिन दहाड़े मुंह छुपाकर जनता से बचकर भागना पड़ रहा है। वहीं मुंबई के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली के बवाना में शनिवार को लगी भीषण आग ने 17 लोगों की जिंदगी छीन ली। इससे पहले 29 दिसंबर 2017 को मुंबई के पब में लगी आग में 14 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जबकि 55 लोग झुलस गए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिल्ली सरकार ने जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बवाना में पहले एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी और फिर उसने दूसरी प्लास्टिक की फैक्ट्री और एक पटाखा की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इन तीन फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। इन फैक्ट्रियों के अंदर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने तो छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल प्राइम टाइम में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।